हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश हूँ। आप देख रहे हैं इन्फोटेक इंडिया। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग रेडमी वाई वन का। दोस्तों जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इस फोन की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों फाइनली मेरे पास भी आ गया है रेडमी वाई वन और आज मैं इसका करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग। इसे मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से। दोस्तों अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो बॉक्स मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा, क्योंकि यहाँ ये जो बॉक्स का कलर है रेड कलर का है, कुछ ही नया है, क्योंकि अभी तक जो भी बॉक्स आते थे वो वाइट कलर की होती थी। बॉक्स में आपको यहाँ दिया है रेडमी वाई वन, नीचे दिया है बाय Xiaomi, ऊपर की तरफ दिया है MI, और अगर साइड साइड की बात करें राइट और लेफ्ट में तो वहाँ आपको दिया है रेडमी वाई वन लिखा हुआ है। ऊपर की बात करें तो वहाँ आपको दिया है कुछ बार्स एंड ये भी बताया गया है कि ये कौन सा वेरिएंट है, 3 GB और 32 GB वाला है। नीचे की तरफ दिया गया है ये डू नॉट एक्सेप्ट इफ़ द सील इज़ ब्रोकन का टैग। और अगर पीछे की बात करें तो पीछे आपको सबसे पहले ऊपर देखने को मिलेगा इसका की फीचर, जो इसका की हाईलाइट है वो आपको दिए गए हैं। उसके जस्ट नीचे इसके स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे सार वैल्यू प्लस प्राइसिंग प्लस ये भी बताया गया है कि ये मेड इन इंडिया है। दोस्तों जल्दी से इसको मैं अपने चाकू से जल्दी से इसे खोलता हूँ और आपको दिखाते हैं क्या मिलता है इसके बॉक्स कंटेंट में। दोस्तों सबसे पहले आपको बॉक्स कंटेंट में देखने को मिलेगा आपका हैंडसेट, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पैम्पलेट्स, उसके बाद आपको मिलता है USB केबल, डाटा केबल, उसके बाद सिम इजेक्टर और चार्जर, जो 5 वोल्ट और 2 एम्पियर का चार्जर है। दोस्तों मैं अगर फ़ोन की फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करूं तो यहां आपको सबसे पहले सामने की तरफ देखने को मिलेगा 5.5 इंच का HD डिस्प्ले, जिसको कवर्ड किया गया है 2.5D कर्व ग्लास से और ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है। दोस्तों इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे कि मैंने इससे पहले एक जो रिव्यू किया था इस फ़ोन का, इसे कि रीज़न इसे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो उसमें मैंने गलती से आपको ये बता दिया था कि इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास नहीं दिया गया था, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो वेबसाइट था वहाँ पे मैंने देखा था कि वहाँ गोरिल्ला ग्लास नहीं लिखा गया, तो मुझे लगा कि यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास नहीं है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। अगर दोस्तों नीचे की बात करें, अगर डिस्प्ले के नीचे की बात करें तो यहाँ आपको कैपेसिटिव की दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर में यहाँ आता है LED नोटिफिकेशन। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन होगा, ये नोटिफिकेशन LED लाइट होगी, ये आपको तभी जलेगी जब आप कभी बैटरी चार्ज कर रहे हो या फिर आपको कोई मैसेज आएगा, ऐसे आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें एक LED नोटिफिकेशन लाइट भी दिया गया है। उसी के बगल में आपको दिया गया है 16 मेगापिक्सल का कैमरा जो आता है f2.2 एपर्चर के साथ। उसके बगल में आपको दिया गया है स्पीकर और उसके बगल में मिलता है आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड देन उसके बाद मिलता है आपको एक LED फ्लैश। दोस्तों ये जो फ्लैश है ये आपको आपको फ़ोन क्लिक करते आप जब फोटो क्लिक करते हो तब नहीं चलती है, ये तब चलती है कि जब ये खुद डिटेक्ट करती है कि लो लाइटनिंग है तभी चलती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये दोस्तों फाइनल रिव्यू नहीं है। अगर मैं टॉप की बात करूँ, टॉप फ़ोन के टॉप की, तो यहाँ आपको लेफ्ट साइड में मिलता है 3.5 mm जैक, उसके बाद यहाँ आपको दिया गया है एयर ब्लास्टर एंड देन आपको दिया गया है माइक्रोफोन। नीचे की बात करें तो नीचे में आपको लेफ्ट साइड से अगर बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ दिया गया है स्पीकर ग्रिल, उसके बाद आपको मिलता है USB कनेक्टर एंड देन ये जो स्पीकर ग्रिल दिया है ये एक स्पीकर ग्रिल नहीं है, ये सिर्फ आपको एक माइक्रोफोन है। ओके, बात करते हैं अगर हम राइट साइड की, तो राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम रॉकर सबसे ऊपर की और नीचे उसके मिलता है पावर बटन। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है सिम इजेक्टर। फोन के बैक साइड की बात करें, अगर टॉप से स्टार्ट करते हैं तो टॉप में आपको देखने को मिलेगा 13 मेगापिक्सल का कैमरा जिसका एपर्चर है f2.2, उसके बाद उसके बगल में ही आपको मिलता है LED फ्लैश जो कि एक सिंगल LED फ्लैश है। और अगर नीचे की उसके नीचे बात करें तो यहाँ आपको मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर और फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छा है दोस्तों, इसका काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और काफ़ी फास्ट है। उसी के नीचे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ कुछ आपको यहाँ पे कोड्स दिए गए हैं, लोगो दिया गया है MI का और ये बताया गया है कि ये मेड इंडिया है और जो मॉडल है उसके बारे में बताया गया है। उसी के साथ अगर हम बैक के बारे में बात करें, बैक में क्या कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, तो दोस्तों बैक का जो मटेरियल पूरा का पूरा मेटल का नहीं है, ऊपर के जो कुछ हैं हिस्से वो मेटल के हैं, नीचे का भी हिस्सा कुछ मेटल का है, लेकिन जो बैक साइड है वो एक आपका प्लास्टिक बॉडी है। वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने सिर्फ इसका अनबॉक्सिंग किया है और जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है। इसका मैं रिव्यू एक डिटेल्ड रिव्यू बनाऊंगा, लेकिन इसके मैं यूज़ करूंगा एटलीस्ट एक हफ्ते तक यूज़ करूंगा और इसमें जो भी चीज़ है मुझे अच्छा लगा, जो मुझे बुरा लगा उसको एक नोट करूंगा एंड देन आपको फाइनल एक रिव्यू दूंगा इस फ़ोन के लिए कि इस फ़ोन में मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। और साथ में मैं इस फ़ोन का कंपेयर करूंगा MI A1 के कैमरा से और K8 Plus के कैमरा से भी, और हो सके तो परफॉर्मेंस टेस्ट भी कर दूँ। लेकिन दोस्तों इसके लिए आई एम सॉरी कि मैं बहुत लेट से वीडियो डाला, क्योंकि दोस्तों कुछ इमरजेंसी है, कुछ मुझे पढ़ना भी पड़ता है, मैं अभी कॉलेज में ही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा दोस्तों
लेट वीडियो डाला हूँ, तो उसके लिए भी आई एम सॉरी। दोस्तों आपको प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक भी करिएगा। आपके लाइक और शेयर से और आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा, और मैं आगे चल के आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।